को नगर पंचायत कार्यालय में जनप्रतिनिधियों ने वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद पति मनोज देवांगन के जन्मदिन की पार्टी मनाई गई, जिसकी नगर में जोर शोर से चर्चा रही। बकायदा पार्षदों ने पार्टी की तस्वीर भी सोशल मीडिया में डालकर हवाई बटोरी। फोटो में कार्यालय के कर्मचारी भृत्य कमलेश यादव अपने हाथों से पार्षद पति का मुंह मीठा कराते दिख रहे हैं। पार्टी में नगर पंचायत राहौद अध्यक्ष का पति एवं कुछ पार्षदों के पति व बेटे भी नजर आ रहे हैं। एक ओर सारा देश कोरोना जैसे महामारी से कहर में डूबा है और नगर पंचायत के कर्मचारियों नगर में लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सावधान कर रहे हैं कि घरों से ना निकले, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इसके बावजूद नगर के तारणहार लोग ही रोज कार्यालय में पार्टी मनाए जारी है। यहां तक कि खबर है कि पार्टी में मुर्गी मछली भी बनती है। नगरवासियों का कहना है कि नगर के जनप्रतिनिधि नियम का खुद ही उल्लंघन करके आ रहे हैं और लोगों को नियम का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। कार्यालय के कर्मचारी का कहना है कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से कुछ जनप्रतिनिधिगण कार्यालय में आकर बैठ कर गप सप करते हैं और रोज पार्टियां मनाते हैं। इस मामले की शिकायत नगर के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कलेक्टर से की गई है। नवागढ़ से बालेश्वर का सबके साथ भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। आज शिकायत प्राप्त हुई थी कि जनपद पंचायत कार्यालय राहौद में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कुछ लोग वहां पे हुजूम बना के बैठे हैं। शिकायत पर SDM पामगढ़, तहसीलदार पामगढ़ के साथ यहां श्री नारायण पुलिस और मैं स्वयं गया था, चेक किया गया। चेक के दौरान वहां पे नगर पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों के अतिरिक्त 9-10 व्यक्ति ग्रामवासी, जिसमें पार्षद गण भी हैं, उनके द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए एक स्थान पर एकत्रित होना पाया गया, जिस पर से थाना सिवरी नारायण में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अभी गिरफ्तारी करना शेष है।